आज का प्रेरणा पाते चेतना का ऊर्ध्वारोहण। हर जीवित प्राणी के भीतर में चेतना होती है, आत्मा होती है, परंतु विकसित अविकसित होना अलग बात है। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, पशु पक्षियों में भी चेतना होती है, लेकिन उसका ऊर्ध्वारोहण नहीं होता है, वह विकसित नहीं होती है। जो मानव होता है उसकी चेतना बहुत विकसित होती है। इसलिए समस्त सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मानव माना गया है। तो हमें जो है ऊर्ध्वारोहण होने वाली चेतना तो मिल गई, लेकिन उसका और विकास करना के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि चेतना का जो हमारा गुण है वह गुण है ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना, अपनी चेतना का स्पर्श करना, अपनी चेतना से संपर्क रखना, अपनी चेतना से बात करना। अपने से अपनी बात करो, अपने से अपन को ऑटो सजेशन दो। जब हमारे भीतर हम अपने प्रभु से बात करने चले जाते हैं, प्रभु हमारे मित्र बन जाते हैं, प्रभु की हमारे को कृपा मिल जाती है, और जब प्रभु की कृपा मिलती है तो इस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े देवी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम और हमारा प्रभु है दोनों एक मेक हो जाते हैं। ये चेतना का ऊर्ध्वारोहण है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, भीतर जाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु भीतर नहीं है, प्रभु भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो उनकी जो है छाया दिखती है, परछाया दिखती है। तो इसलिए चेतना का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए भीतर जाइए।